ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मैं सौरभ हूं, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर जाना पहले जितना आसान नहीं है। बीते साल अगस्त में मोदी सरकार ने इसे हटाया, काफी विवाद हुए, लंबे वक्त तक कश्मीर में कर्फ्यू रहा। अब हालात सामान्य है। कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन से पहले कश्मीर में फुटबॉल भी जम के खेला जा रहा था। कश्मीर की टीम रियल कश्मीर भारतीय फुटबॉल की सेकेंड डिवीजन लीग आई लीग में खेलती है। टीम ने हाल ही में ब्रिटिश क्लब ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड से लोन पर फुटबॉलर काशिफ सिद्दीकी को साइन किया। फुटबॉल में लोन छोटी अवधि के ट्रांसफर को कहते हैं। ये परमानेंट नहीं रहता, यानी प्लेयर का पेरेंट क्लब नहीं बदलता, बस वह निर्धारित दिनों के लिए किसी और क्लब से खेलता है। ये तरीका फुटबॉल में काफ़ी पॉपुलर है। 4 अप्रैल 2020 को क्लब ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए काशिफ की साइनिंग को ऑफिशियल किया और बस विवाद शुरू हो गया। क्या है ये विवाद, आपको समझा देते हैं। पहला विवाद तो काशिफ की नागरिकता पर है। काशिफ रियल कश्मीर से जुड़ने से पहले एक प्राउड पाकिस्तानी थे, लेकिन अब उनका कहना है कि वो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। काशिफ नागरिकता से जुड़े अपने सारे सबूत खत्म करने जा रहे हैं। वो पाकिस्तान से जुड़ा अपना हर लिंक छिपाने या मिटाने के चक्कर में है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात भी छिपाई। सितंबर में जब रियल कश्मीर ने उन्हें साइन करने की बात कही थी, तब भी उनकी नागरिकता पर सवाल उठे थे। तब उन्होंने इन सवालों को सिरे से खारिज कर दिया था। काशिफ ने अपनी सफाई में कहा था कि वो भारतीय और अफ्रीकी मूल के हैं। उनके पिता लखनऊ में पैदा हुए, जबकि माँ युगांडा से। उन्होंने ब्रिटिश साउथ एशियन के रूप में पाकिस्तान के लिए खेला है। हिंदुस्तान टाइम्स के फुटबॉल करस्पॉन्डेंट भार्गव शर्मा ने काशिफ के इन दावों पर लंबी ट्विटर थ्रेड लिखी। भार्गव ने लिखा, वो कहता है कि वो ब्रिटिश साउथ एशियन के रूप में पाकिस्तान के लिए खेलने के योग्य था। ये सरासर झूठ है। पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट और नेशनल आईडी कार्ड होना चाहिए। प्रवासी प्लेयर्स भी पाकिस्तान के लिए खेलने से पहले दोहरी नागरिकता लेते हैं। फीफा के नियम साफ कहते हैं कि आपको देश के लिए खेलने के योग्य होने से पहले अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ती है। नागरिकता के सबूत में सिर्फ पासपोर्ट माना जाता है। हाल के साल में फीफा ने अपने पासपोर्ट नियम को और सख्त किया। यहाँ तक कि फीफा के सदस्य हांगकांग, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के कई लोग नहीं खेल पाते, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं होता। भार्गव ने ब्रिटिश फुटबॉल एसोसिएशन के साथ काशिफ का एक पुराना इंटरव्यू भी शेयर किया। इसमें काशिफ ने कहा था, मुझे पता है कि फुटबॉलर बनना हर लड़के का सपना होता है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे अंदर वो लगन है कि मैं ऊंचे लेवल तक पहुंच सकूं। हालांकि मैं इंग्लैंड में पैदा हुआ था, लेकिन मेरे पास दोहरी नागरिकता है। मेरा लक्ष्य प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने का है और मैं इस देश के पहले एशियन प्रोफेशनल्स की लिस्ट में शामिल होना चाहूँगा। सितंबर 2005 के इसी इंटरव्यू में लिखा था कि काशिफ नवंबर में 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तानी नेशनल टीम ज्वाइन करेंगे। वो इससे पहले पाकिस्तान के अंडर 21 टीम का हिस्सा बन चुके थे। इसी आर्टिकल के मुताबिक वो एक बार छुट्टियों में पाकिस्तान में एक फ्रेंडली मैच खेल रहे थे, वहीं उन्हें देखने के बाद पाकिस्तानी अंडर 21 टीम के लिए चुन लिया गया था। साल 2007 तक काशिफ ने पाकिस्तानी चैनल दिन टीवी स्पोर्ट्स को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया था कि उनके अब्बू पाकिस्तान के लिए हॉकी खेलते थे। इसी इंटरव्यू में जब एंकर ने उनसे पूछा कि पाकिस्तानी होने के नाते उन्हें इंग्लैंड में फुटबॉल खेलने में किसी तरह की परेशानी हुई, तो उन्होंने कहा, हाँ बहुत परेशानी हुई। काशिफ ने यहाँ ब्रिटेन को रेसिस्ट देश भी बताया और पाकिस्तान की जमकर तारीफ की। पर अब काशिफ कश्मीर के लिए खेलने को तैयार है। आपका इस मामले पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए कहानी लिखी थी हमारे साथी सूरज ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉप।